मैं हूँ निर्मल कुमार और दोस्तों आज हम यहाँ बड़ी पुल के नीचे जमालपुर में यहाँ इनका सन्नी कुमार का आवास है और इन्होंने थोड़ी देर पहले हमें कॉल किया। दोस्तों इनका इन्होंने यहाँ पर एक स्नेक को देखा छिपे हुए, तो ये लोग पहचान नहीं पाए। हमने आके देखा तो वो स्पेक्टिकल कोबरा, आप देख सकते हैं ये एक झोपड़ी जैसा घर है और ऊपर एस्बेस्टस रखा हुआ है। ऐसे में अगर कोबरा सांप रात में चूहे खाने के लिए घुस जाए तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि कोई हादसा हो सकता है। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में, हम इसका रेस्क्यू करते हैं पूरे। दोस्तों ये स्पेक्टिकल कोबरा है और ये छत पे जो है चढ़ा हुआ था। आप देख सकते हैं, हो सकता है ये गर्मी का समय और शाम में ये चूहे खाने के लिए शिकार करने के लिए आया हो और छप्पर पे बैठ के ये इंतजार कर रहा होगा कि कब सब सोएंगे और ये शिकार के लिए निकलेगा। दोस्तों है तो बहुत सुंदर सांप लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक। हालांकि सांप काटने नहीं आते आपको, लेकिन अगर गलती से इनके ऊपर आपका पैर चला गया, आप किसी काम से निकल रहे हो रात में और आपका पैर इसके ऊपर पड़ गया तो ये बाइट कर देगा और जहरीला होने के कारण अगर आप हॉस्पिटल समय पर नहीं पहुंचेंगे तो आपको खतरा हो सकता है। तो आप देखिए दोस्तों, यह कोबरा जब गुस्साता है, इसे खतरा महसूस होता है तो यह किस तरह खड़ा होता है और चेतावनी देता है। तो दोस्तों गर्मी का समय है, सावधान रहिए ऐसे स्नेक से और रात में जब भी निकलिए तो टॉर्च या लाइट का इस्तेमाल कीजिए। इन्हीं चंद बातों के साथ हम इसे रेस्क्यू कर लेते हैं। मेरा डब्बा लाइए वहाँ से, हाँ खोल के इस साइड से आके दीजिए। कुछ उगल रहा है, देखे था उगल दो इसे रेस्क्यू कर लेते हैं। केचुल छोड़ दिया, केचुल छोड़ दिया है, पूरा चमक रहा है। तो आपने देखा दोस्तों, हमने बहुत ही सावधानी से और बहुत अच्छी तरह से इस कोबरा स्नेक का रेस्क्यू किया और एक हादसा होने से बचा लिया। तो उम्मीद है कि लोगों से कि वो सांपों को मारेंगे नहीं, इसी तरह हम जैसे स्नेक सेवर की सहायता लेंगे, क्योंकि इनका बचे रहना भी पर्यावरण में बहुत जरूरी है। तो आशा करते हैं आपको हमारा रेस्क्यू वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों कल हमने कुछ स्नेक को रेस्क्यू किया था और आज भी एक हमने स्नेक को रेस्क्यू किया है, एक चिकन किलबैक, और कल हमने दो कोबरा स्नेक को रेस्क्यू किया था जिसमें से एक रात 10 बजे हमने रेस्क्यू किया। तो अभी हम लोग लेकर उसे नेचर में आ गए हैं रिलीज करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए, क्योंकि बारिश आ रही है, रुक रुक के हो रही है, तो ऐसे में हम लोग बारिश में फंस सकते हैं। तो हम लोग जल्दी से जल्दी स्नेक को रिलीज कर देते हैं। यह सांप जो है चेकर किलबैक स्नेक, इसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पकड़ा है। आप देखिए कितना रिलीज कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं साथियों, ये किस तरह ज्यादा हिलना में
या किस तरह निकल रहा है अपनी जीभ निकाल के माहौल को भांप रहा है कि किस तरफ जाना है और जिधर इससे पानी का सोर्स मिलेगा ये उधर ही जाएगा। हालांकि अभी हर तरफ बारिश हुई है तो पानी थोड़ा थोड़ा है, इसलिए इसको रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फाइनली हमने इसे रिलीज कर दिया है, देखते हैं कितनी देर में यहाँ से निकलता है। और यहाँ इसके हिसाब से बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ ये अच्छी तरह से रह लेगा, सरवाइव कर लेगा। हालांकि ज्यादा बड़ा नहीं है। हम बताना चाहेंगे दोस्तों, इसे फॉल्स कोबरा भी कहा जाता है क्योंकि घबराने पर यह जो है थोड़ा सा कोबरा की तरह हुड बनाता है। हालांकि बहुत ज्यादा बड़ा इसका हुड नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी गर्दन चपटा करके दिखाता है और चलता है गर्दन उठा के, जिससे इसे देखकर दूर से कोबरा होने का ही भय हो जाता है लोगों को। तो फाइनली हमने इसे रिलीज कर दिया है। आप देख सकते हैं हम जैसे जैसे इसे टच कर रहे हैं यह बढ़ रहा है आगे और धीरे धीरे अपना गर्दन को जो चपटा कर रहा है। तो चलिए जाने देते हैं हम इसे, नजदीक के लीजिए। देखिए दोस्तों, इसने अभी हमें हिलते देखा और गर्दन देखिए कोबरा का स्टाइल दिखाने की कोशिश कर रहा है, गर्दन अपना गर्दन को फ्लैट करके। आप देख सकते हैं किस तरह यह जो है अपना मुंह भी खोल रहा है और कह रहा है, बता रहा है, नजदीक आइएगा तो हम आपको बाइट कर लेंगे। मेरे में जहर नहीं है लेकिन हम बाइट कर सकते हैं। आप देखिए घबरा भी रहा है। दोस्तों सांप जब भी घबराते हैं तभी बाइट करते हैं, ऐसे वो बच के निकलना ही चाहते हैं। तो चलिए ये झाड़ियों के पास पहुंच ही गया है तो हम लोग इसे जाने देते हैं। जब से पकड़ा है तब से यह कोबरा काफी गुस्से में है। आप देख सकते हैं साथियों, यह कोबरा स्नेक, इसे हम लोगों ने कल 10 बजे रात में बड़ी पुल के नजदीक एक घर से पकड़ा था जिसके छप्पर पे था। चलिए हम इसे निकालते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी यह अपने क्लासिक पोज में है और ये अपना हुड बंद नहीं करता है। जहरीला सांप होता है दोस्तों, ऐसे सांपों से सावधान रहिए, लेकिन इन्हें छेड़ने की गलती मत कीजिए क्योंकि आप इन्हें छेड़ेंगे नहीं तो ये आपको बाइट भी नहीं करेगा। आप देख सकते हैं चलिए हमने इसे छोड़ दिया है और आप देख सकते हैं तेजी से झाड़ियों की ओर चला गया। तो इस कोबरा को हम यहाँ रिलीज करते हैं, ये उससे थोड़ा सा बड़ा है और एक जगह हम लोग अगर छोड़ देते हैं एक दूसरे को तो ये एक दूसरे को बड़ा सांप छोटे सांप को खाता है। दोस्तों नेचर का यही नियम है, जो बड़ा है वही जीवित रहता है, जो छोटा है वो हार जाता है। तो यह थोड़ा सा आराम से है, मतलब इसे लग नहीं रहा है कि हमसे इसे कोई खतरा है, इसलिए यह हुड अपना नहीं फैला रहा है, यह सिर्फ जाना चाह रहा है। तो हम चाहेंगे जाने से पहले ये एक बार अपना हुड दिखा दें। हाँ तो इतना दिखा दिया, तो चलिए अब हम इसे रिलीज करते हैं। आइए नजदीक आइए, तो आपने देखा दोस्तों ये कोबरा इसमें भी बहुत तेजी से चला गया। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको हमारे रेस्क्यू एंड रिलीजिंग वीडियो पसंद आएगा और सांपों से जुड़ी जानकारी के लिए कुछ भी कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे आप सवाल कर सकते हैं, हम उससे रिलेटेड आपको जवाब देंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमें सपोर्ट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं फिर से अगली बार किसी और स्नेक के साथ या किसी और रेप्टाइल के साथ। आपका स्नेक लवर निर्मल कुमार, धन्यवाद।